ठीक है, चलिए जय हिंद एवरीवन। चलिए आइए फिर हम आगे के सफर कंटिन्यू करें। अभी से हम कहाँ तक हो गया था लास्ट टाइम? आई थिंक डाई ट्रांजिटिव बढ़ा रहा था ना। चलिए डाई ट्रांजिटिव में आपको क्या कोई प्रॉब्लम है? टू और फॉर कहाँ से लगाया जा रहा था ये बात समझ में आ गई थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गई थी चीजें। ठीक है, अब मैं दो तीन सेंटेंसेस तो और लिखता हूँ, ठीक है, दो सेंटेंस में देता हूँ, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे बनाए। चलिए थोड़ी हैंड राइटिंग बड़ी ही कर लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा सी गिफ्टेड मी अ डॉग, गिफ्टेड मी अ डॉग। ठीक है, फिर सेकंड मैंने लिखा राजू कॉल्ड हिम, सब एक ही टेंस में लिख दे रहा हूं ना, चलो यहाँ पे टेंस अलग कर लेते हैं क्योंकि कल भी मैंने सब लगभग पास्ट इंडेफिनिट में ही लिख लिया था, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि सी हैड, या फिर सी हैज गिफ्टेड मी अ लैब्राडोर, लैब्राडोर डॉग। पता है ना सबसे खतरनाक ही माना जाता है, लैब्राडोर एक कैटेगरी होती है, एक प्रजाति है डॉग की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते राजू कॉल मी एंड इडियट, राजू कॉल मी एन इडियट। थर्ड है नैनो गेव मी अ सरप्राइज। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल्स लिखे गए, इन तीनों को आप एक बार सॉल्व करें और सॉल्व करके देखने की कोशिश करें, बनाएं आप जरा। आप चाहो तो एक और मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, चलो कि दे सिलेक्टेड हिम, सिलेक्टेड they selected me a monitor, monitor समझते हो ना, क्लास का मॉनिटर, ये नहीं कि आप कंप्यूटर वाला समझ ले मॉनिटर। ठीक है, हाँ वो भी तो मॉनिटर ही होता है, हाँ बोलने में बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन दोनों के सेम अर्थ नहीं होते, अलग होते। ठीक है, तो आप जरा ये चार एग्जाम्पल्स लिखे गए, चारों को बनाए आप। पहले तो आपको सबसे पहले ये पहचाना है कि डाई ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, चलिए बनाइए आप जल्दी से। यहां पे मी एंड इडियट लिखा हुआ है, ये समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आएगा ही भाई, बिल्कुल थ्री इडियट। आप कितने इडियट हो? बहुत सारे हो। चलिए कीजिए, हाँ उसको ज्यादा समझ में आ रहा है, आना भी चाहिए भाई। चलो कोई नहीं, बनाओ बनाओ बनाओ, बातें नहीं। हाँ नैना गेव अस अ सरप्राइज, सरप्राइज कहने का मतलब गिफ्ट है। चलिए बनाए अब हम, अभी नहीं हुआ। चलिए देखिए, पहला सेंटेंस आपको कल जो चीजें बताई गई थी, जो वर्ब के फॉर्म बताए गए थे, मैं उसे एक बार रिवाइज करा देता हूं। कल आपको बताया क्या गया था कि जब हम एक्शन के आधार पे वर्ब को डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक्शन और नॉन एक्शन दो शब्द बताए गए थे आपको। ठीक है, तो जब एक्शन के आधार पे आप जब डिवाइड करते, तो पहले को आपने क्या कहा था? ट्रांजिटिव। और सेकेंड को आपने कहा था? इनट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे वर्ब हो रहे थे जिसमें आप वर्ब के बाद अगर क्वेश्चन पूछ रहे थे व्हाट से,
या फिर होम से। तो आपको व्हाट से और होम से आंसर करने पे किसी भी वर्ब के साथ क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। मतलब इसके पास ऑब्जेक्ट हो रहे थे तो ये क्या कहलाता था, ट्रांजिटिव। इन ट्रांजिटिव क्या थे कि जो हमें आंसर कर रहे थे वर्ब के साथ व्हाट और होम का नहीं, ये बल्कि किसका कर रहे थे, तो ये कर रहे थे हाउ का, वेन का, वियर का और वाई का। ठीक है, ये चारों कर रहे थे और इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं हो रहे थे, इनकी वजह से ही आप यहाँ पे इसको पैसिव नहीं बना पा रहे थे। फिर आपको बताया गया था कि जब हम नॉन एक्शन वर्ब की बात करते हैं, याद है ना आपको, नॉन एक्शन वर्ब की बात करते हैं तो आपको ये बताया गया था पहली और दूसरी चीज कि स्टेटिव वर्ब जो स्टेट को डिनोट करती हो उनके साथ उनका भी पैसिव नहीं बनाया जाता। और सेकंड आपको बताया गया था पजेसिव वर्ब के बारे में, मतलब पजेशन जो हमें, वैसे वर्ब्स जो हमें पजेशन बताते हैं, ये बातें बताई थी आप। अब देखिए आप समझिए, आपने पहला क्वेश्चन देखा, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट भी है। ठीक है, अभी हम डाइट ट्रांजिटिव की कल बात किए थे और ये डाइट ट्रांजिटिव के लिए हमने पढ़ा था। तो देखिए लिखा हुआ कि सी हैज गिफ्टेड मी अ लैब्राडोर डॉग। ठीक है, सी हैज गिफ्टेड मी अ लैब्राडोर डॉग। आपने पूछा सी हैज गिफ्टेड मी व्हाट, लैब्राडोर डॉग। ठीक है, और जब लैब्राडोर डॉग की बात हो रही है, ये ट्रांजिटिव का आंसर आ रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव का है तो ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव बनेगा, निश्चित हो गया। नेक्स्ट है कि सी गिफ्टेड होम अ लैब्राडोर डॉग। मी, मुझको किया उसने, और जब मुझको किया आप ये कह रहे हो तो क्या ये भी ट्रांजिटिव का आंसर है, मतलब यहाँ पे दोनों ही ट्रांजिटिव के आंसर है ना। ठीक है, आप इसे क्या कह रहे हो, जो व्हाट का आंसर करता है कल बताया गया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो होम का आंसर करता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर थिंग हो गया तो थिंग को आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो पर्सन हो गया उसको हम क्या कहते थे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए आप बनाए इसे जरा, कि अगर आप बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, लैब्राडोर डॉग से भी बना सकते हैं या फिर आप मी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा कि अ लैब्राडोर डॉग। ठीक है, अब देखिए हैज गिफ्टेड है, तो ये आप ये देखें कि ये जो अ लैब्राडोर डॉग आपने लिखा है क्या ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे सी की वजह से अगर हैज आ रहा तो अ लैब्राडोर डॉग की वजह से भी क्या आना चाहिए, हैज ही आना चाहिए। तो आपने लिखा हैज, सॉरी फिर ये भीतरी है ना, तो भीतरी लिखने से पहले हमें बी फॉर्म चाहिए, तो बी फॉर्म का भीतरी क्या होता है, बीन। तो आप लिखते हैं अ लैब्राडोर डॉग हैज बीन गिफ्टेड। ठीक है, अब देखिए मुझे दिया गया ना, ठीक है, के लिए का सेंस है नहीं, और जब मुझे दिया गया तो टू मी बाय हर, क्या ऐसा ही बनेगा, आप सभी ने ऐसा बनाया भी होगा। सेकंड अगर आप इसका देखते हैं तो सेकंड आप किससे स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस मी से स्टार्ट कर सकते हैं। मी का सब्जेक्टिव किस क्या होता है, आई। ठीक है, अच्छा ये तो आपको कल बताया गया था ना कि ये टू क्यों आते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जो बनता है वो स्ट्रक्चर किस हिसाब से बनता है, तो स्ट्रक्चर बनता है कि सबसे पहले आप इनडायरेक्ट लिखते हैं फिर डायरेक्ट लिखते हैं। लेकिन अगर आप पहले डायरेक्ट लिख दें बाद में इनडायरेक्ट लिखें तब आपको क्या करना पड़ता है, तो टू या फिर फॉर लगाना पड़ता है, यही बताया गया था ना। ठीक है, अब देखिए सेकंड वे जो है बनाने का, वो आई के थ्रू, आपके मी के थ्रू आप कैसे बना सकते हैं, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, तो आपने लिखा आई। लेकिन अब समझे यहाँ पे जैसे आप पैसिव कर रहे थे तो अ लैब्राडोर डॉग लिख रहे थे तो ये सिंगुलर था, तो आपने क्या लिखा था, हैज लिखा था। ठीक है, और यहाँ पे आई क्या है, आई के साथ हैज आता है क्या, हैव लिखेंगे ना, तो आप लिखेंगे आई हैव बीन, ठीक है, गिफ्टेड गिफ्टेड अ लैब्राडोर, लैब्राडोर डॉग बाय हर, क्या ऐसा ही होगा या नहीं होगा, ऐसा ही होगा। आई सेकंड देखते हैं, सेकंड लिखा गया कि राजू कॉल्ड मी एन इडियट, राजू कॉल्ड मी एन इडियट, राजू ने मुझको गधा कहा या मूर्ख कहा, ये कहने का तात्पर्य, सॉरी एक मिनट। ठीक है, अब समझे यहां पे कि राजू कॉल्ड मी एन इडियट। ठीक है, आपने पूछा राजू कॉल्ड मी व्हाट, एडियट मिल रहा, मिल रहा ना, चलो तो मैं इसको अभी क्या ट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट मानूंगा या नहीं मानूंगा, मानूंगा। मैं नेक्स्ट कहता हूं कि राजू कॉल्ड होम एन इडियट, मी, आपने मी कहा, ठीक है, इसे भी आपने ट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट कहा। लेकिन आप यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, आपको कल वाले हम एग्जाम्पल पे लाएंगे। जैसे मैंने कहा कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर,
तो आपने क्या कल समझा था कि इस आई और टीचर क्या दोनों अलग अलग या दोनों एक हैं? और जब दोनों एक होते हैं तो क्या पहले वाले को आप सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे वाले को आप क्या कह देते हैं? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही कहते हैं ना, क्या उसको आप ऑब्जेक्ट कहते थे? क्यों नहीं कहते थे? क्योंकि दोनों क्या होते थे? सेम होते। अगर आपको बेसिक क्लास याद हो तो आपको यह भी बताया गया था कि जब आप कोई वर्ब लिखते हैं और वर्ब के पहले लिखा हुआ नाउन और वर्ब के बाद लिखा हुआ नाउन, अगर दोनों ये क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं, तो पहले वाले को आप क्या कहते हैं? तो पहले वाले को तो आप सब्जेक्ट कहते हैं इसको, लेकिन दूसरे वाले को आप क्या कह रहे थे? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि सब्जेक्ट की जानकारी को क्या करता है? पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई और टीचर क्या दोनों एक हैं या नहीं है? है ना। इन द सेम वे अगर आप यहाँ देखते हैं लिखा हुआ कि राजू कॉल्ड मी एन इडियट, तो आप हमें बताओ ये मी जो है ऑब्जेक्ट है, राजू क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन जो एन इडियट है, क्या ये राजू है या फिर मी ही है? मी है ना। तो क्या ये मी की जानकारी दे रहा है या नहीं दे रहा? दे रहा ना। जैसे आप यहाँ पे सब्जेक्ट की जो हमें जानकारी दे रहा था उसे आप क्या कह रहे थे? तो वैसे ही क्या ये ऑब्जेक्ट की जानकारी दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो क्या ये ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ना। तो क्या आपने क्या समझा है पैसिव बनाते हो? ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो क्या ये सब्जेक्ट बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और जब ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है तो क्या पैसिव इससे बनाया जाएगा, मतलब एन इडियट से बनेगा या फिर मी से बनेगा? मी से बनेगा ना। देखो समझने की कोशिश करो, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे क्या कह रहे थे कि दोनों ट्रांजिटिव का आंसर होता था और यहाँ पे मी और लैब्राडोर डॉग क्या दोनों अलग अलग थे? और जब दोनों अलग अलग थे तो यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट थे, लेकिन क्या यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट हैं? नहीं। पहले वाले को तो आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और सेकेंड को आप क्या कहते हो? तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हो, समझ गए। वैसे आप समझे कि यहाँ ये जो गिफ्टेड वर्ब लिखा था ना, इसको आप क्या कहते थे? डाई ट्रांजिटिव। क्या कहते थे? डाई ट्रांजिटिव, मतलब कि इसके पास दो दो ऑब्जेक्ट थे। लेकिन क्या इसके पास दो दो ऑब्जेक्ट है? पहला ऑब्जेक्ट है पर दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ना। तब आप यहाँ पे इस वर्ब को क्या नाम देते हैं? तब इस वर्ब को आप यहाँ नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तब इस वर्ब को हम क्या नाम देते हैं? ये नाम याद रखने की आपको जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपसे ये पेपर में कभी पूछेगा नहीं, बस बता दिया जा रहा है कि आप इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। लेकिन यहाँ पे ये गिफ्टेड क्या था? डाई ट्रांजिटिव, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या लिखा गया है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो आप हमें बताएं कि इसको आप एन इडियट से बनाएंगे या फिर आई से बनाएंगे? आई से बनाएंगे। तो आप इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो आप पैसिव इसका बनाएंगे और लिखेंगे आप कि आई वॉज कॉल्ड एन इडियट बाय राजू। यही बनेगा ना। क्या आप ऐसा बना सकते हैं क्या कि एन इडियट वॉज कॉल्ड? ऐसा बना सकते हैं, गलत हो जाएगा कहना, ठीक है। नेक्स्ट है कि नैना गेव अस अ सरप्राइज, ठीक है। आपने पूछा नैना गेव अस व्हाट, नैना गेव अस व्हाट, क्या व्हाट का आंसर अ सरप्राइज मिल रहा है? अ सरप्राइज मिल रहा है ना। और अगर आंसर मिल रहा है तो क्या ये व्हाट का आंसर दे रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है? ट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट है, इसे आपने ट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट कह दिया, ठीक है। फिर आपने देखा नैना गेव होम अ सरप्राइज, नैना ने किसको एक सरप्राइज दिया? अस को दिया। इट मींस ये भी हमें होम का आंसर कर रहा है, तो ये भी ट्रांजिटिव का क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, यही ना। अब देखिए जरा आप हमें बताएं क्या अस और सरप्राइज दोनों एक हैं? दोनों एक नहीं है ना, दोनों अलग अलग है ना। तो क्या यहाँ पे दोनों ही ऑब्जेक्ट है या नहीं है? हैं। इट मींस क्या यहाँ पे दोनों से पैसिव बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाएगा। बनाया जाएगा ना। तो आप कैसे बनाएंगे? तो आप बनाएंगे नैना गेव अस अ सरप्राइज, तो आप बनाएंगे कि अस को आप बनाए तो अस का क्या होता है? वी We were given a, हाँ, give क्या है? Give given होता है ना, ठीक है। तो आपने किया we were given a surprise by Nana। क्या ऐसा ही होगा या नहीं होगा? अगर मुझे second बनाना है तो हम क्या करेंगे? तो a surprise से बना सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? तो a surprise, और spelling गलत लिख दिया, a surprise वर जाएगा ना यहाँ पे। यहाँ पे वर मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि वी क्या था? प्लुरल था। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? सरप्राइज सिंगुलर है ना, और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? वर्ज आना चाहिए, ठीक है। तो आपने लिखा अ सरप्राइज वर्ज, ठीक है, गिवन। यहाँ पे टू आएगा या फोर आएगा?
टू आएगा ना, क्योंकि हम लोगों को आ रहा है ना, ठीक है। तो आप लिखोगे टू अस बाई नैनो, ठीक है। आप समझ पा रहे हो। एक लास्ट जरा आप देखें, फोर्थ नंबर एग्जांपल। पहले तो आप वर्ब बताएं, वर्ब किस टाइप का है, मोनो ट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है। कहां थे इतने दिन से, छुट्टी में थे? हाँ नहीं आ रहे तो छुट्टी में ही थे। चलिए देखिए, फोर्थ नंबर जो लिखा गया कि दे सिलेक्टेड मी अ मॉनिटर। आप समझे, यहाँ पे आपने पूछा दे सिलेक्टेड मी व्हाट, मॉनिटर आंसर आ रहा है। इट मींस क्या, ये ट्रांजिटिव आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? अभी अभी तो ऑब्जेक्ट ये कहलाएगा ना, ठीक है। फिर मैंने कहा कि दे सिलेक्टेड होम अ मॉनिटर मी, तो आपने इसलिए कहा ट्रांजिटिव आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन आप जरा देखें कि ये जो मी है और मॉनिटर है, क्या दोनों अलग अलग है, एक ही है? और जब एक ही हो गए तो पहले को तो आप ऑब्जेक्ट कहेंगे, पर दूसरे को क्या कहेंगे आप? तो क्या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीट कभी भी सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। तो जब भी इसका पैसिव बनेगा तो मी से ही बनेगा ना, समझ पा रहे हो ना? तो आप यहाँ मी से लिखोगे और क्या लिखोगे कि आई, ये भी पास्ट इंडेफिनिटली लिखा, तो आई वॉज सिलेक्टेड, ठीक है, I was selected a monitor by them. क्या ऐसा ही होगा या नहीं होगा, बताएं? क्या किसी को समझने में दिक्कत है? आप ट्रांजिटिव समझ चुके हैं ना, क्योंकि आगे हमें ट्रांजिटिव का ही आगे जो भी पढ़ना है, ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ना हमें, तो ट्रांजिटिव आपको ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव, ये समझ में आना चाहिए, समझ गए? और यहाँ ये जो वर्ब लिखा गया, इस वर्ब को हम क्या नाम देंगे? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। समझ पा रहे हैं? नोट डाउन करें आप जल्दी से। चलिए करें फिर, चलिए आगे फिर मूव करते हैं और देखते हैं। देखिए मैं और फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम मूव करते हैं और आप कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा कि दे एक्सप्रेस दैट द क्वेश्चन, या फिर आप एक्सप्रेस के जगह पे said that the question was easy। अब समझ पा रहे हो, अगर आप लोगों ने किसी ने नरेशन पढ़ा होगा तो उसे महसूस हो रहा होगा कि ये नरेशन लिखा गया, लग रहा है इनडायरेक्ट नरेशन है। इसका भी पैसिव बनाते हैं, पर कैसे बनाते हैं हम इस पे आएंगे। तब तक आप कोशिश करें, मैं दो तीन सेंटेंसेस लिख ले रहा हूं, ठीक है। On the match, ये सी लिखा हुआ है भाई, they found that I had won the match। और देखें रोहन, बातें नहीं, expressed that रोहन expressed that राघव would write a letter। आपको लग रहा ना कि नरेशन है? बनाए जरा आप, और मैं फोर्थ एग्जाम्पल लिखता हूं कि सी
came and he came and solved the अब जरा बनाने की कोशिश करें। हैंडराइटिंग समझ में आ रही ना सभी को? बन गया या फिर आप लोगों ने देखा है, मन में सोच लिया कैसे बनाना है, कुछ आइडिया आया? ठीक है, कुछ नहीं आया, चलो कुछ नहीं आया तो हम सिखाते हैं, देखें हम, क्योंकि नहीं आया तो अच्छी बात है, अगर आया भी तो और अच्छी बात है, नहीं आया उसके लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो जीरो से सीखेगा इसको, जो आया वो थोड़ा कंफ्यूज होगा। ठीक है, तो देखिए आप समझे आप कि जो पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने क्या लिखा कि दिस सेड डैड, ठीक है, द क्वेश्चन वॉज Easy. यही है ना, समझे? अब यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे क्या दो दो डैट जो होता है, डैट कंजंक्शन होता है, सबको पता होगा, मतलब ये सेंटेंस को जोड़ने का, वर्ड का जोड़ने का, ये कभी भी काम करेगा तो ये लिंकिंग वर्ड है, जोड़ने का काम करेगा। इट मीन्स ये जो जोड़ने का काम कर रहा है, इट मीन्स आप देखेंगे तो यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे गए, पहला क्या लिखा गया दिस इट और सेकेंड क्या द क्वेश्चन वॉज इजी, क्या दो दो सेंटेंस है या नहीं है? इट मीन्स यहाँ पे दो दो वर्ब भी आए हैं, पहला कौन है सेड, सेकेंड कौन है वॉज, है ना? है, अब समझे आप कि आपने पूछा, आपको ये तो पता है ना कि अगर वर्ड का आंसर देगा तो ट्रांजिटिव और अगर नहीं देता है तो इंट्रांजिटिव, या फिर स्टेटिव हुआ या फिर पजेसिव हुआ हुए, तो इसके साथ हम पैसिव इसका नहीं बनाएंगे, बस इतने कॉन्सेप्ट यूज करने यहाँ पे। देखिए आपने पूछा दिस सेड दैट द क्वेश्चन वॉज इजी, आपने इसकी हिंदी की तो आपने हिंदी क्या, उन लोगों ने कहा था कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इजी थे, ठीक है। आपने पूछा कि उन्होंने क्या कहा था, तो क्वेश्चन इजी था, यही आएगा ना आंसर। तो आपने पूछा दे सेड व्हाट, क्या ये आपको पूरा आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा? दे सेड व्हाट, तो दैट द क्वेश्चन वाज इजी, द क्वेश्चन वाज इजी, मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है। और अगर ये व्हाट का आंसर दे रहा है तो आप मुझे ये बताएं क्या ये होल सेंटेंस, क्या ये जो होल सेंटेंस लिखा हुआ है यहां से लेकर के यहां तक, ये टोटल, सॉरी यहां से लेकर के टोटल, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो क्या कभी भी एक होल सेंटेंस बन सकता ऑब्जेक्ट? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसे आपको पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट बनाना होगा ना, तो क्या यहाँ पे आपको ये होल सेंटेंस मिल रहा है ना? तो आपने ये तो समझा कि ये, अभी हम फिर से इसको करते हैं, जैसे मैंने कहा दिस सेड व्हाट, तो व्हाट का ये होल सेंटेंस आंसर मिल रहा है, इट मीन्स ये व्हाट का आंसर दे रहा है, तो इट मीन्स ये कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव, मतलब सैड का क्या बनेगा, पैसिव बनेगा। लेकिन अगर जो सेकंड सेंटेंस लिखा गया है द क्वेश्चन वाज इजी, यही है ना, आपने पूछा द क्वेश्चन वाज व्हाट, द क्वेश्चन वाज व्हाट, क्वेश्चन क्या था या क्वेश्चन कैसा था, कैसा था, इट मीन्स ये किसका आंसर करेगा, हाउ का। और अगर ये हाउ का आंसर करा तो ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का इजी होना, टफ होना, मॉडरेट होना, क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है, तो स्टेट है ना, अगर स्टेट है तो क्या इसके साथ कभी भी इसका पैसिव बनेगा, नहीं बनेगा, आप वहां से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स ये जो लिखा गया ये कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है ना। इट मीन्स पैसिव सिर्फ किसका बनेगा, सेड का, वाज का बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक है। अब समझे आप तो क्या करना है कि इस पूरे सेंटेंस को अगर सेड के हिसाब से देखते हैं, आपने पूछा दिस सेड व्हाट, तो व्हाट का ये आंसर पूरा सेंटेंस मिल रहा है, तो पूरा सेंटेंस तो कभी भी सब्जेक्ट हो नहीं सकता, और जब नहीं हो सकता तो आपको इसके जगह इसे रिप्लेस करने के लिए एक इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन इस्तेमाल करना, उसे आप कहते हो इट। आपने पूछा दिस सेड इट, दिस सेड इट, इट को ये पूरा सेंटेंस क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। इट मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो इट से स्टार्ट करना होगा और यहां तक बनाना होगा, आपको क्या बनाना होगा कि इट वॉज सेड बाई देम, समझ पा रहे हो, इट वॉज सेड बाई देम, समझ पा रहे हो, इट वॉज सेड बाई देम, क्या यहां तक बन गया, नहीं बन गया? क्या आगे वाले सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये किस टेंस, क्या है ये स्टेटिव वर्ब है या फिर वो ट्रांजिटिव है, नहीं इंट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, देम दैट द पर्सन वॉज इजी, क्या ऐसा ही होगा या नहीं होगा, होगा, क्लियर है।
आइए नेक्स्ट. नेक्स्ट लिखा गया सी फाउंड दैट आई हैड ऑन द मैच. सी फाउंड दैट आई हैड ऑन द मैच. चलो यहां तक हम देख लेते हैं. ठीक है, यहां तक एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस ये पूरा. दैट क्या है? कंजंक्शन है. आपने पूछा सी फाउंड व्हाट, उसने क्या पाया, तो दैट आई हैड ऑन द मैच. मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है. और अगर मिल रहा तो क्या ये पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट मिल रहा है? मीन्स ये जो फाउंड लिखा गया ट्रांजिटिव है या नहीं है? और अगर ये ट्रांजिटिव है तो इस फाउंड का पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा. नेक्स्ट है कि आई हैड ऑन द मैच. आपने पूछा आई हैड ऑन व्हाट. आई हैड ऑन व्हाट नहीं मिल रहा. आई हैड ऑन व्हाट, मैंने क्या जीता? मैच. मिल रहा है या नहीं मिल रहा? इट मीन्स क्या यहाँ पे ऑन जो लिखा है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? इट मीन्स क्या यहाँ पे आपको दोनों के दोनों ट्रांजिटिव मिल रहे हैं? यहाँ पे ये भी ट्रांजिटिव है और ये भी ट्रांजिटिव है. अगर दोनों ही ट्रांजिटिव है तो क्या इसका पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा? दोनों का बनेगा ना. वहां पे एक के बनने की वजह क्या थी कि एक जो आपको मिल रहा था वो इंट्रांजिटिव था और दूसरा ट्रांजिटिव था, पर यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे हैं? ट्रांजिटिव. मतलब दोनों का बनाना है. तो मैंने क्या कहा कि इसको हम इट से रिप्लेस कर देंगे इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन से. आपने क्या कहा? तो आपने कहा कि इट वॉज फाउंड. अच्छा, इट वॉज फाउंडेड तो नहीं करोगे ना? आपको पता है दो वर्ब होते हैं, एक होता है फाइंड, समझ ले आप, एक होता है फाइंड और दूसरा होता है फाउंड. ये दोनों के दोनों भीवन लिखे गए. क्या लिखे गए? भीवन लिखे गए. इसका मतलब होता है पाना, खोजना, और फाउंड का मतलब होता है टू एस्टैब्लिश. एस्टैब्लिश मतलब स्थापना करना. नहीं कहते हो दिस इंडस्ट्री वॉज फाउंड या दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाई, आप कहते हो ना. यहाँ मतलब फाउंडेड का मतलब क्या होता है? फाउंड का अगर आप V2 लिखते हैं तो इसका क्या होता है? फाउंडेड. और V3 भी इसका क्या होता है? फाउंडेड. ठीक है, ये हो गया V2, ये हो गया V3. इसका अगर V2 कहते हो तो इसका होता है फाउंड, और इसका V2 भी V3 भी क्या होता है? फाउंड. तो फाइंड फाउंड फाउंड मतलब इसका मतलब क्या होता है? खोजना पाना. लेकिन अगर आप कहते हो फाउंड फाउंडेड फाउंडेड तो इसका मतलब क्या होता है? स्थापना करना, एस्टैब्लिश करना. समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आप खोजने के सेंस में कह रहे हो या फिर स्थापना करने के सेंस में कह रहे हो या फिर पाने के सेंस में कह रहे हो? पाने के सेंस में कि मुझे मतलब ऐसा महसूस हो गया था कि क्या कह रहे थे फाउंड दैट उसे ने ऐसा पाया कि मैं मैच को जीत चुका था, यही कहना चाह रहा ना. इट वॉज पाने के सेंस है. तो इट वॉज फाउंड, ठीक है, बाय हर दैट, यही लिखेंगे ना आप. इट वॉज फाउंड बाई हर डैट. अब देखिए यहाँ पे ये जो अब हमारा सेंटेंस लिखा गया, क्या इसका भी इस बार पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? द मैच को लिखोगे. आपने लिखा द मैच हैड बीन ओन बाय मी. क्या ऐसा ही होगा या नहीं होगा? होगा. क्लियर है? आई नेक्स्ट. नेक्स्ट लिखा गया कि रोहन एक्सप्रेस्ड दैट राघव वुड राइट अ लेटर. आपने पूछा रोहन एक्सप्रेस्ड व्हाट. क्या ये व्हाट का पूरा आंसर सेंटेंस मिल रहा है? मिल रहा है. और अगर मिल रहा है तो क्या ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है? अगर ऑब्जेक्ट है तो ये जो सामने वर्ब लिखी गई है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है. तो इस वर्ब को आप क्या कहोगे? ट्रांजिटिव. इस वर्ब को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव. फिर आपने दूसरा वर्ब देखा, ये तो कंजंक्शन है ना. फिर सेकंड सेंटेंस आपने देखा, सेकंड सेंटेंस लिखा गया राघव वुड राइट अ लेटर. आपने पूछा राघव वुड राइट व्हाट. अ लेटर मिल रहा है. इट मींस क्या ये भी ट्रांजिटिव है या नहीं है? और अगर ये भी ट्रांजिटिव है तो क्या यहाँ पे भी दोनों का पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना. ठीक है, अब देखिए बनाए तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो इट वॉज एक्सप्रेस्ड बाय रोहन. ठीक है, That, यहां तक किसी को दिक्कत है? फिर आप क्या लिखोगे? अ लेटर से स्टार्ट करोगे और आप लिखोगे अ लेटर. अच्छा, इसका तो अब कोई काम है नहीं तो इसे रफ ही कर देते हैं. ठीक है, तो मैंने लिखा कि इट वॉज एक्सप्रेस्ड बाय रोहन डैट. अब क्या लिखोगे? अ लेटर स्मॉल से और लेटर. अब उड है ना तो उड का तो उड ही रहेगा, लेकिन इसके बाद ये भीवन लिखा गया ना, तो बी फॉर्म का भीवन फ्यूचर में क्या यूज होता है? इज एम आर बी ना, यहाँ पे बी आएगा ना, तो आप लिखोगे क्योंकि ये मॉडल्स है और मॉडल के साथ हमेशा हमें क्या लिखना होता है? भीवन लिखना होता है, जो कि बी फॉर्म का भीवन मॉडल के साथ क्या आता है? बी आता है. तो आपने लिखा अ लेटर उड बी रिटेन बाई
राघव ठीक है। नेक्स्ट है कि सी केम एंड सॉल्व द क्वेश्चन, आप जरा बताएं हमें फोर्थ नंबर। सी केम एंड सॉल्व द क्वेश्चन, बताएं पहले। आप ये समझ पा रहे हो कि यहां पे भी दो सेंटेंस लिखे गए हैं, पहला सेंटेंस क्या है सी केम और सेकंड क्या है सी सॉल्व द क्वेश्चन, दोनों को आपने ऐड किया, दोनों का सब्जेक्ट सेम है ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पे देखते थे तो यहां ये पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ और था, सेकंड वाले का कुछ और था। ऐसे ही आप यहां देखते हो तो सी है सब्जेक्ट पहले वाले सेंटेंस का, सेकंड का कौन है आई। वैसे अगर यहां देखते हैं तो रोहन है पहले वाले का सब्जेक्ट और सेकंड का कौन है राघव। लेकिन यहां देखते हैं तो दोनों आ भी वही रही है, क्वेश्चन भी सॉल्व कौन कर रही है वही कर रही है, तो दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है ना। तो आप जरा बताएं हमें, बताइए बताइए। इट वॉज कम, किसको बुला रहे हो तुम ये पता ही नहीं है। यहाँ तो हम इट इसलिए लगा रहे थे ना क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट बन रहा था। पहले समझे आप, यहाँ समझो इट वॉज कम कहना गलत है। क्यों कहना गलत है? क्योंकि जो केम लिखा गया है ना, ये पहले तो आपको पता करना है कि ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। सबसे पहले क्या पता करना आपको, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। केम और सॉल्व दोनों को, केम भी एक वर्ब है और सॉल्व भी एक वर्ब है। तो आप सभी बताएं हमें कि केम जो है ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है? इंट्रांजिटिव है। समझ पा रहे हो सभी लोग? नहीं समझ पा रहे? क्यों नहीं समझ पा रहे आप ये समझो, क्योंकि इसके बाद कुछ मैंने लिखा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ सिर्फ इतना कि केम हियर एंड सॉल्व द क्वेश्चन, या फिर मैं लिख देता सी केम होम एंड सॉल्व द क्वेश्चन, ऐसा लिखता तो आपको बिल्कुल समझ में आता आता ना। लेकिन आप हमें बताओ कि सी केम जब भी आंसर करेगा केम, तो ये वेयर का करेगा ना, जगह बताएगा ना, और जब ये वेयर का आंसर करेगा तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा इंट्रांजिटिव होगा? इंट्रांजिटिव होगा। और अगर ये इंट्रांजिटिव होगा तो क्या इसके इसका पैसिव बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन आपने सेकंड सेंटेंस लिखा और पूछा सी सॉल्व द क्वेश्चन, आपने पूछा सी सॉल्व व्हाट द क्वेश्चन, इस मीन्स यहाँ ये जो लिखा गया ये क्या है ट्रांजिटिव, लेकिन यहाँ ये कैसा लिखा गया था इंट्रांजिटिव, तो क्या इसका पैसिव बनेगा? पहले वाले का पैसिव नहीं बनेगा ना। सॉरी यार ये पूरा पूरा ही रफ हो जा रहा है, रुक जाओ एक मिनट, इससे ज्यादा अब ये जा भी नहीं सकता, ये रफ करना है। कैसे होगा ये, छोटा सा आता ही नहीं है ये। अच्छा ये सही है सही है सही है, ये मुझे पता ही नहीं था। वो सेट कहाँ है बैग? ये कहाँ पे जाना यार, बुलाओ नरेश को, कहाँ गया वो टेक्निकल टीम, बुलाओ उसे बुलाओ। अच्छा हो गया, अच्छा अच्छा भाई हट जा यार। हाँ देखिए समझे आप, ये तो काफी रिस्क हो गया था यार है बताओ, पूरे पूरी मेहनत बेकार चली जाती अगर नहीं हो पाता तो। खैर कोई नहीं, अभी इससे मतलब उस तरीके से फैमिलियर नहीं हुए यार ठीक है। तो देखिए आप लिखा हुआ कि सी केम एंड सॉल्व द क्वेश्चंस ठीक है, इसका क्या मतलब है? आप ये समझ पा रहे हो कि ये जो वर्ब लिखी गई है ये वर्ब ये जो केम लिखा गया, केम कैसा है इंट्रांजिटिव है, क्या है ये इंट्रांजिटिव ठीक है, लेकिन ये क्या है ट्रांजिटिव है। ये समझने में क्या किसी को परेशानी आप में से? ये समझ गए हो ना आप? तो आप हमें बताओ कि जिसको हम चेंज नहीं करते थे क्या उसको एज इट इज लिख देते थे या नहीं? आप बताओ इस वाले को हम चेंज नहीं किए तो क्या हम इसको एज इट इज यहाँ लिखे या नहीं लिखे? इट मीन्स हम इसको चेंज करेंगे क्या, और जब नहीं करेंगे तो इसको एज इट इज लिख देंगे। तो हमने क्या लिखा सी केम एंड ठीक है, एंड इतना तो आएगा ना सेम ठीक है। अब देखो द सॉल्व द क्वेश्चन है ना, तो आपने क्या कहा द क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे द क्वेश्चन, अब क्या लिखेंगे आप वर और सॉल्व। क्या आपको यहां पे बाई हर लिखने की जरूरत है क्या? ये आप लिखेंगे क्या बाई हर? क्यों नहीं लिखेंगे ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि डूअर आपने पहले लिख दिया, करने वाला कौन है, तो दोनों एक तन को परफॉर्म कौन कर रहा है, सेमी कर रहे हैं ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, उस एग्जाम्पल से शायद आप समझ पाए ठीक है। ये समझ गए आप? एक मिनट देखिए आप इस चारों एग्जाम्पल को, हो गया कंफ्यूजन क्लियर है? चलो भाई अमन कंफ्यूजन दोनों सेम। अब देखिए आप समझिए,
एक और मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, इस एग्जांपल को आप समझेंगे और बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा कोई नाम, जैसे मैंने लिख दिया, नैना, नैना हैज सर्व्ड ठीक है, मैंने लिखा नैना हैज सर्व एंड विल सर्व द कंट्री, ठीक है। तो आप हमें बताएं इसका पैसिव कैसे बनेगा। नैना हैज सर्व्ड लिखा है भाई, नहीं, हाँ बिल्कुल, दो दो बार होगा, दो सेंटेंस लिखा गया। देखो कैसे, पहला सेंटेंस लिखा गया, समझे यहां, पहला सेंटेंस लिखा गया है नैना हैज सर्व द कंट्री, पहला सेंटेंस ये है, और सेकंड सेंटेंस है कि नैना विल सर्व द कंट्री, नैना विल सर्व द कंट्री, ये दो दो सेंटेंस लिखे गए हैं। तो जरा आप ये दोनों का पैसिव बनाएं, और पैसिव करके आप किससे ऐड कर देंगे, एंड से कर देंगे, करें आप जरा बनाएं। देखें एक बार आप, मैं बताऊंगा सभी को, आप लोग को। सर द कंट्री अगर दोनों सब्जेक्ट से ना, तो एक ही सब्जेक्ट से एंड जोड़ेंगे। नहीं कौन और कौन क्या था, ऐसे कोई नहीं, देखो तुम लोग यही सारी चीजें करो, ठीक है। देखो यहाँ पे देखे आप समझे, यहाँ पे इतने जोर से बोलते इसलिए भाई में आवाज आ जाएगी, जो तुम नाम लेना चाह रहे हो, ऐसा नहीं करते किसी को बोलना। देखो लिखा हुआ कि नैना है सर्व एंड विल सर्व द कंट्री, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि ये दोनों सेंटेंस को ही मर्ज किया गया, ये दोनों सेंटेंस को ही बस एंड से मर्ज कर दिया गया। देख रहे हो आप, नैना है दोनों को एक जगह कर दिया गया, ठीक है, फिर कंट्री कंट्री को एक जगह कर दिया गया, लेकिन ये दोनों तो एक विल सब लिखा हुआ है, एक हैज सब लिखा, तो अलग अलग ही लिखना होगा ना हमें कंबाइन करने के लिए। तो आप ये दोनों को मर्ज अलग अलग भी बना करके क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब समझो आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि नैना हैज सर्व्ड एंड विल सर्व द कंट्री को आप कैसे बनाएंगे, तो आप बनाएंगे, आप लिखेंगे कि नैना, पहले तो आप देखें कि यहाँ पे दो दो वर्ब आए हैं, पहला कौन हैज सर्व्ड, ठीक है, हमें सर्व से मतलब है क्योंकि सर्व जो है एक्शन वर्ब है, और सेकंड यहाँ पे भी सर्व। आपने पहला क्वेश्चन यहाँ पे से हम मिला लेते हैं, आपने पूछा कि नैना हैज सर्व्ड व्हाट द कंट्री, किसकी सेवा की उसने, तो कंट्री की आपने पूछा कि नैना विल सर्व द व्हाट कंट्री, मतलब यहाँ पे मिल रहा है ना, इट मीन्स ये भी ट्रांजिटिव है और ये भी ट्रांजिटिव है, और अगर दोनों ट्रांजिटिव है, अगर दोनों विल सर्व में तो सर वेन का सेंस है, यहां देखो ना क्या लिखा आपने, नैना विल सर्व द कंट्री, आपने पूछा नैना किसकी सेवा करेगी, कंट्री की ना, ठीक है। तो आपने पूछा, तो आप कैसे बनाएंगे, पहले तो आप लिखेंगे द कंट्री, यही लिखेंगे ना आप, द कंट्री, क्या लिखेंगे आप, द कंट्री, ठीक है, और इसको बनाएंगे आप तो हैज लिखेंगे आप, ठीक है, फिर ये भीतरी है ना, तो बी फॉर्म का भीतरी क्या होगा, बेन, तो आपने लिखा हैज बेन सर्व, ठीक है, पहला का बन गया, यहां तक बन गया ना, सेकंड एंड विल बी सर्व, ठीक है, विल बी सर्व बाय नैना, क्या ऐसा ही बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा, क्लियर है इतनी बात में, है क्या कोई डाउट है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करें, फिर ज्यादा टाइम बचने है, चलो एक और एग्जांपल इसी का दे देते ना, नहीं दूसरा ही दे देते, या फिर इसका तो कोई काम है नहीं जो मैंने नीचे लिखा है,
ये सही था। चलो दूसरा एग्जांपल यहीं से देख लो आप। हाँ भाई कलर चेंज कर देते हैं तुम्हारे लिए, देखो कलरफुल तो मैं दुनिया नजर आ रही है ना, कुछ देर बाद वीरान नजर आएगी कुछ दिनों बाद अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो। चलो देखो लिखते हैं अब कि सलमान फाउंड डैट, सलमान फाउंड डैट ही हैड killed a black deer, ठीक है। मैंने लिखा सलमान फाउंड डेट ही हैड किल्ड अ ब्लैक डियर। आप सभी को पता भी होगा कि काले हिरण के चक्कर में बहुत सारे उस पर ये हो गए थे, ठीक है। तो आप हमें बताएं इसको कैसे बनाएंगे आप। पहला तो चलो एक और लिख देते क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। लिखता हूं मैं कि द टीचर पनिश्ड अमन, ठीक है, हो हो केम लेट इन द क्लास, ठीक है। मैंने दो एग्जाम्पल लिखे, पहला लिखा मैंने सलमान फाउंड डेड, ठीक है, ही हैड किल्ड अ ब्लैक डियर। नेक्स्ट है कि द टीचर पनिश्ड, यहाँ पे डी छूट गया, पनिश्ड, ठीक है, अमन हु केम लेट इन द क्लास, ठीक है। आई हूँ ना लेट देता हूँ, इसे तुम्हारा नाम मेंशन किया गया। हाँ अच्छा अमन तुम भी हो। नेक्स्ट देखो आप समझो आप कि सलमान फाउंड डेड, तो आप इसे कैसे बनाओगे। आप समझ पा रहे हो कि होल सेंटेंस बन रहा है, तो ये भी ये वर्ड का आंसर दे रहा है ना, और जब ये वर्ड का आंसर दे रहा है इट मीन्स ये कैसा लिखा गया है, तो ये लिखा हुआ वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव। फिर सेकंड लिखा गया कि सलमान फाउंड, ठीक है, डेड, यहां तक हो गया हमारा पहला सेंटेंस का। फिर आपने पूछा ही हैड किल्ड व्हाट, अ ब्लैक डियर, इट मीन्स ये भी जो किल्ड लिखा है क्या ये भी ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव है ना, और अगर ये भी ट्रांजिटिव है तो क्या यहाँ पे दोनों सेंटेंस का पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहले का आप कैसे बनाएंगे और दूसरे का आप कैसे बनाएंगे, तो पहले को आप बनाएंगे कि इट वॉज फाउंड, ठीक है, डैट, ठीक है, अ ब्लैक डियो, ब्लैक डियो हैड बीन किल्ड, यही होगा ना, हैड बीन killed by, had been killed by सलमान। समझ पा रहे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया द टीचर पनिश्ड, ठीक है, होम, तो अमन जो लेट से आया था, यही आंसर मिल रहा है ना, तो आप क्या बनाओगे, ठीक है, या फिर अमन की जगह क्यों इसे बदनाम करो भाई, वो भी गुस्सा हो जाएगा, नहीं सर मैं टाइम पे आया हूँ। चलो दूसरा ही नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम सबसे अच्छा लिख लेते हैं द बॉय, द टीचर पनिश्ड द बॉय। आप यहां पे क्या लिख लें, द बॉय लिख लें आप यहां पे लिख लें द बॉय, द बॉय, ठीक है। अब इसे आप कैसे बनाएंगे, तो आप बनाएंगे और आप लिखेंगे कि द बॉय हु केम लेट इन द क्लास, लेट इन द क्लास वॉज होगा ना, वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, क्या ऐसा ही होगा या नहीं होगा, ऐसा ही होगा ना, बताएं क्या कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में, किसी को कोई परेशानी। समझो फाउंड का मतलब पाना भी होता है, ठीक है, क्या सलमान फाउंड वेयर, आप इसे
एस्टैब्लिश का सेंस ले रहे हो क्या? ये पाने का सेंस है कि सलमान ने ऐसा पाया कि उसने क्या किया है, एक हिरण का, हिरण को मार दिया है। ठीक है, तो आपने पूछा कि सलमान ने क्या पाया, एक हिरण को मार दिया उसने, यही मिल रहा है ना। तो ये पूरा होल सेंटेंस मिल रहा है ना ऑब्जेक्ट। हाँ बताएं, क्या कोई कोई परेशानी किसी में, किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी है किसी को? तो फिर यही खत्म करें क्लास की आज। चलिए तो फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जॉइन टू ऑल ऑफ यू।